क्या आपके सपने कभी पूरे हुए हैं? आज आवाज मेरा सपना पूरा होते हुए देखते हैं। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नैतिक है और आज फाइनली घर वालों ने हाँ कर दी गाइस। इसके लिए नहीं, स्टूडियो के लिए। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये दिन आ गया गाइस। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको शायद पता ही नहीं होगा कि व्हाई दिस इज सच अ बिग थिंग फॉर मी। अरे ओवर ड्रामेटिक की दुकान, सीधा पॉइंट पे आना। This is a huge step for this channel, क्योंकि अब content level तो crazy होने वाला है guys. So after this I won't have to shoot in this room anymore. चलो ना, let's get into the video. स्टूडियो बनाने के लिए हमें लगेगा एक मिस्त्री, तो हमने नेक्स्ट डे ही मिस्त्री को बुला लिया और जो मैं एक साल से प्लान कर रहा था वो उन्हें आइडिया समझाया। उनके रेट हमें नहीं जम रहे थे तो दूसरे मिस्त्री को बुलाया और सब कुछ फाइनलाइज करके काम चालू करवा दिया। तो ये है वो जगह जहाँ पे मेरा स्टूडियो बनेगा। आप एंड में यकीन नहीं करोगे कि ये जगह इतनी खूबसूरत बन जाएगी। तो अगले दिन से ही काम चालू करवा दिया। पूरा एक हफ्ता काम चल रहा था और जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही सब अकॉर्डिंगली हो रहा था। नाउ लेट मी टेल यू द गेम प्लान। आई जस्ट वांटेड टू ट्राई रायन ड्रेन का स्टूडियो। में मुझे चाहिए एक वार्डरोब जिसमें मैं सारे आर्ट मटेरियल स्टोर कर सकूंगा, एक विंडो फॉर नेचुरल सनलाइट, थोड़े डेकोर की चीजें एंड एम्प्टी स्पेस ताकि मैं कोई भी क्रिएटिव वीडियो बना सकूं। फिर थोड़े दिन बीत गए और काम चलता ही रहा और वार्डरोब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। इस वार्डरोब को मैंने खुद डिजाइन किया है, मतलब थोड़ी डायर की हेल्प ली। तो अभी हमें करना है सनमाइका की शॉपिंग। I spent almost 2 hours going through all the sunmicas and फिर मुझे realize हुआ कि ये sunmica decide करने के लिए कितना मेहनत लगता है। फिर कुछ दिनों बाद मैं साइट पर गया और ये देखकर एकदम खुश हो गया क्योंकि आउटर वॉल्स लग गए थे, मेरा स्टूडियो का स्ट्रक्चर रेडी हो गया था। फिर अंदर का थोड़ा काम देखकर, वर्कर्स को थोड़ा गाइड करके, ड्रॉवर्स चेक करके हम चले गए लाइट फिगर आउट करने। अब लाइट शॉप में लाइट देखकर वी सैट डाउन टू डिस्कस। ये जो बोल रहा है अपना ये प्रोफाइल लाइट, ये पट्टी इधर बोल रहा है सीट के पीछे। Everything was going according to the plan. फिर एक हफ्ते बाद I came back to the site and wow, there is a lot of progress. Window बन गई guys. They literally had to drill and pull in the window. और ये view देखकर तो मैं पागल हो गया guys. So good. Fast forward to the next week, सब सही जा रहा था, almost empty studio complete हो ही गया था कि something had to go wrong. Light strip हो रही थी, चालू ही नहीं हो रहा था, शायद खराब हो गई थी। फिर electrician को बुलाकर सब ठीक कराया and then अगले दिन finally हो गया है काम कंप्लीट। चलो देखते हैं। While walking to my studio, feeling extremely grateful and happy, I just want to thank my dad for helping me out in every decision. He has literally worked harder than me on this project. With that being said, here is the empty studio tour. Now I'll see you guys in the next video. Bye, guys. Guys, look at it. It's so good.